अक्षरा नहीं बल्कि ये शख्स है नील की मौत का कारण। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जहाँ एक और अभीर का सच आ रहा है एक एक करके सबके सामने, तो वहीं पुराना सच भी आने वाला है सबके सामने। जी हाँ, नील की मौत से जुड़ा बड़ा राज खुलने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली स्टोरी में आप देखेंगे कि नील की मौत से जुड़ा बड़ा राज आ जाएगा सबके सामने और हो जाएगा पूरा का पूरा बिरला परिवार शॉक में। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं जहाँ एक ओर अभीर का सच आने वाला है अभिमन्यु के सामने, तो वहीं दूसरी ओर नील की मौत से जुड़ा बड़ा राज भी सामने आ जाएगा। जी हाँ, जैसा कि पूरा का पूरा बिरला परिवार अक्षरा को दोषी मानता है नील की मौत का, लेकिन असली गुनहगार तो कोई और ही है। जी हाँ, अब आएगा ये राज सामने। अक्षरा नहीं बल्कि बिरला परिवार का ये सदस्य नील की मौत का असली कारण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्थ की। असल में नील की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि बिरला हॉस्पिटल के खराब मशीनों के कारण हुई है। जैसा कि आपने देखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं कि एक बीच आरोही की तबीयत बिगड़ गई थी बिरला हॉस्पिटल के खराब मशीनों के कारण, और जिसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अभिमन्यु के भाई यानी कि पार्थ का हाथ था। अब असली राज आने वाला है सामने कि नील की मौत भी हुई थी उस खराब मशीनों के कारण, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि पार्थ का हाथ है। जी हाँ, पार्थ की लापरवाही के ही कारण हुई थी नील की मौत। अब इसके बाद क्या कदम उठाएगी मंजरी और अभिमन्यु, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैसी लगती है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।